शुक्रिया वृशाली इस बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एएसआई की वर्दी फाड़ने और टोपी बेल्ट फेंकने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा कि थाना प्रभारी के चैंबर में नगर निगम के अधिकारी और एएसआई समेत कुछ बीजेपी के नेता बैठे हुए। इस बीच एएसआई अपनी वर्दी फाड़ने लगे। आरोप है कि पार्षद पति अर्जुन गुप्ता, टीआई और नगर निगम के अधिकारियों के सामने एएसआई विनोद मिश्रा की वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे, जिस वजह से एएसआई ने अपना आपा खो दिया और वर्दी फाड़ दी। ये मामला करीब 8 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और क्योंकि इस फुटेज में एक्शन है, एक पुलिसकर्मी खुद अपनी वर्दी फाड़ रहा है, इसीलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये जानकारी पता चल रही है कि जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने कुछ और लोगों के सामने, जिसमें कुछ नगर निगम के अधिकारी थे और कुछ बीजेपी के नेता थे, उनके सामने एएसआई को कुछ बात कही जो बुरी लग गई एएसआई को, जिसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए एएसआई ने अपनी वर्दी फाड़ दी वहीं सबके सामने। ये वीडियो 8 महीने पुराना है, विगत वर्ष के नवंबर या दिसंबर की घटना है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तभी मेरे संज्ञान में जो है कुछ लोगों के द्वारा इसको लाया गया था। मैंने तत्समय ही इसमें जांच करके और उसमें संबंधित कर्मचारी को, तो मिश्रा है ये सब, उसको जो है दंड भी दे चुकी हूँ। उसकी एक वेतनवृत्ति रुकी गई है संचयी प्रभाव से वर्दी का अपमान करने की वजह से। बाकी जो इसमें डीएसपी स्तर से जांच के बाद मैंने ये निर्णय लिया था, उसमें कुछ उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या और कुछ इनका पुराना संबंधित पार्षद से कुछ जमीन संबंधी विवाद है, कुछ नाली वाली का विवाद है, ऐसी जांच में आई थी। लेकिन वर्दी का जो उसने अपमान किया है, चाहे किसी भी प्रेशर में किया हो, तो उस वजह से मैंने उसको दंड दे रखा है। ये तो देखने की कहानी है। उसका बीपी भी उस समय हाई हो गया था, वजह कुछ जमीन संबंधी जो मैं पर्सनल जितना जान पाई जाँच में जो आए तक। मेरा मेन कंसर्न ये था कि उसने वर्दी क्यों फाड़ी, क्योंकि वर्दी का सम्मान यदि पुलिस वाले नहीं करेंगे तो। ये दो तारीख को मीटर है, ये गौतम बुद्ध कॉलोनी नाली रोड लेके टीआई साहब ने हमें बुलाया था। मेरी मैडम पार्षद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, उसी में संपूर्ण बात हो रही थी। टीआई साहब भी थे, हमारे नगर निगम के ई साहब थे, उपाध्याय जी, गजबीय जी थे, शांतिपूर्ण बात हो रही थी। उन्हीं के बीच में विनोद मिश्रा जी एसआई हमारे बैठक थाने में हैं, उनके द्वारा और उनकी पत्नी वहाँ भी मौजूद थी, उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने उनकी वर्दी फाड़ी, उनको धमकी दी। आप वीडियो में देख सकते हैं, वर्दी हम लोग सिर्फ बैठे थे, बातचीत रहे थे नॉर्मल, सभी टीआई साहब का भी बयान है, सबका बयान है, एक बार आप देख लें कि मेरी गलती अगर है तो मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है करें। अगर विनोद मिश्रा जी के द्वारा स्वयं वर्दी फाड़ी गई, लाश से कजरी गई, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव